आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक ऐसे अनूठे मूर्तिकार के बारे में जो मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाते हैं और उसे निशुल्क वितरित करते हैं। उनकी प्रतिमाओं की और भी बहुत सी खास विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि मूर्ति विसर्जित होने के बाद में उस स्थान पर स्वतः ही तुलसी के पौधे उगाते हैं। श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले ये अनूठे भक्त अब तक गणेश भक्तों में लाखों प्रतिमाएं बनाकर वितरित कर चुके हैं। सुखदेव नगर एरोडम रोड निवासी दिनेश वर्मा पीली मिट्टी से श्री गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाएं निर्मित करते हैं। अपने परिवार में बाला सोनी के नाम से प्रसिद्ध बाला भैया बताते हैं कि उनकी माताजी के कोई भाई नहीं थे, लिहाजा वे श्री बड़े गणपति महाराज के मंदिर में जाकर वहां राखी बांधती थी। उनके पिता भी शिव जी के परम भक्त थे जो पूरे सावन मास पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से घर में गणपति जी की प्रतिमाएं बनाने का कार्य आरंभ किया गया था। अपने द्वारा तैयार की गई सभी प्रतिमाएं यह अपने परिचितों को निशुल्क वितरित करते हैं। साथ ही जो प्रतिमाएं तैयार हो चुकी है उसकी मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन ये सभी भक्तों की मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं। श्री गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए वे मकर संक्रांति पर्व यानी कि जनवरी माह से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। श्री गणेश चतुर्थी के पहले तक लगभग 150 से अधिक मूर्तियां बन जाती है। इनकी बनाई हुई श्री गणेश प्रतिमाओं की एक और खास विशेषता यह है कि पीली मिट्टी में यह तुलसी के बीज मिलाते हैं ताकि जब भी श्री गणेश जी की प्रतिमा को किसी गमले में विसर्जित करें तो उसमें तुलसी के पौधे स्वतः ही उग आए। श्री गणेश प्रतिमाएं अलग अलग उद्देश्य को लेकर भी निर्मित की जाती है। अब तो बाला भैया अन्य लोगों को भी श्री गणेश प्रतिमाएं बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ महिला समूह भी इनसे जुड़ चुके हैं। बाला भैया की एक और विशेषता यह है कि जिस स्वरूप में किसी प्रतिमा का एक बार निर्माण कर देते हैं तो उस स्वरूप को फिर वह दोबारा आकार नहीं देते, यानी कि हर बार एक नया आकार श्री गणेश जी का बनाया जाता है। कई बार उनके मित्र विदेश में भी उनकी बनाई हुई प्रतिमाएं अपने साथ ले गए और वहां गणपति बप्पा की स्थापना कर पूजा अर्चन किया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। देखते रहिए दोपहर न्यूज, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।